मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको रिएक्ट जेएस पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा। प्रोजेक्ट का नाम है जिम मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिम मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है वो आपको पाइथन पे भी मिल जाएगा, डेमो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, एंड पीएचपी पे भी मिल जाएगा, जेएसपी पे भी अवेलेबल है। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है रिएक्ट पर। तो कैसे आपको इसका सेटअप करना है, आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। एंड अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हम इसका जो डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए यहाँ पे मैंने इसको MySQL को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेरीज हैं जिम रिएक्ट डॉट SQL वाली फाइल में, ठीक है। तो इसको मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा डेटाबेस फाइल्स, डेटाबेस की जो क्वेरीज होती हैं। एक बार ये सारी क्वेरीज मुझे जो क्रिएट कमांड्स हैं, टेबल्स जो बनाए हैं, डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर जो भी कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, डेटा इंसर्ट किया है, तो ये सारी क्वेरीज मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी अपने MySQL में। वन टाइम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम में मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ, तो इसको मुझे वन टाइम जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं अपने MySQL को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे सिस्टम में मल्टीपल MySQL है। MySQL वर्कबेंच भी आप यूज़ कर सकते हो, वैसे मैं XAMPP यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको वर्कबेंच का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल XAMPP है। अब ये XAMPP 2 मेरा करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। XAMPP में जाके XAMPP कंट्रोल को ओपन कर लेता हूँ। इसी के अंदर मुझे MySQL मिलेगा, ये आप देख रहे हैं MySQL। तो MySQL को स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आप प्रोजेक्ट को परचेस करते हैं तो सेटअप करना मैं बता दूंगा। एंड ठीक है, MySQL हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो डेटाबेस इंपोर्ट करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है गलतियां करते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले प्रोजेक्ट रन करके दिखा दूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट हमारा फ्रंट एंड पार्ट तो रन हो ही जाएगा, बट बैक एंड के लिए हमें डेटाबेस डालना पड़ेगा। तो ठीक है, डेटाबेस डाल देते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, XAMPP को ओपन किया, XAMPP का अपाचे MySQL चालू कर दिया, एंड उसके बाद PHP MyAdmin पे चले गए। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इतने सारे क्या हैं, डेटाबेस हैं, ठीक है। हॉस्पिटल रिएक्ट वगैरह पहले बनाया था तो वो सब है यहाँ पे। अब मुझे डालना है कौन सा, अपना जिम मैनेजमेंट वाला। तो SQL पे मैं आता हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरा .SQL वाली फाइल में जितना भी क्वेरी था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट में, तो इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे दो लाइन में अलग से खुद से लिख दूंगा अगर नहीं लिखी हुई है तो मुझे लिखना है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर ये लाइन्स ऑलरेडी लिखी हो तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिया, एंड उसके बाद मैंने नीचे गो पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिम रिएक्ट, उसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं। तो मैं बता देता हूँ ये सारे टेबल्स हमने यूज़ किए हैं, प्लान, मेंबर, इक्विपमेंट, इंक्वायरी एंड यूज़र्स, ठीक है। तो जिम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में हम इंक्वायरी को मैनेज करेंगे, इक्विपमेंट को, मेंबर को, प्लान को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होंगी। एंड यूज़र्स के अंदर हमारा जो एडमिन के क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो इसमें स्टोर रहेंगे, ओके। तो अब मैं आ जाता हूँ VS कोड पे, एंड यहाँ पे मुझे बैकएंड फ्रंट एंड दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक रीडमी फाइल भी दी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने बताया फ्रंट एंड पार्ट कैसे स्टार्ट करना है, बैकएंड कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें CD करके हमारे ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। CD जिम माइनस ऐप नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमारा फ्रंट एंड वाला जो कोड रहता है वो सब हमने इसमें किया हुआ है। अब इसमें हम NPM के थ्रू स्टार्ट कर देंगे। NPM मतलब नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हमने स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आपको कुछ मैसेज आएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट नोट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मतलब वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। NPM इंस्टॉल जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था रिएक्ट स्क्रिप्ट, ठीक है।
ये हमारा रन हो गया है, आप देखो ये आउटपुट भी आ गया है, बट अभी ये हमारा जो है फ्रंट एंड पार्ट रन हुआ है, बैक एंड का नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिया है, इस प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करो तो एक और टर्मिनल आ जाएगा, मतलब दो टर्मिनल हो जाएंगे, एक में हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है एंड दूसरा हमारा बैक एंड। तो बैक एंड में जाने के लिए हमें सीडी सर्वर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी कर दिया, सर्वर फोल्डर के अंदर आ गए एंड यहाँ पे इसको भी कर दिया स्टार्ट, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया स्टार्ट करने का प्रोसीजर। ये आप देखो जैम्प वगैरह सब चालू है, डेटाबेस उसमें नाम वाम डला हुआ है, तो ये आपका कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्टेड हो गया तो अब आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चालू हो गया है। साइज थोड़ा ज़्यादा है तो कम कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश भी कर दो कंट्रोल फंक्शन F5 के थ्रू, ओके। तो आप यहाँ पे देखो एडमिन का लॉगिन दिया है, उसके अलावा होम है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है। तो ये स्टैटिक डेटा है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज है, थोड़ा सा साइज इसका छोटा करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये मेरा जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये होम पेज है, अबाउट पेज है एंड कॉन्टेक्ट पेज है। एंड उसके अलावा अब मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं गलत यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो यहाँ पे एक वैलिडेशन भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। ये इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। एंड सही यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आपको सही यूजर नेम पासवर्ड देना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, ये मैसेज आएगा एंड ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो ये एडमिन का होम पेज ओपन हो गया एंड यहाँ पे एडमिन देख सकता है कितने टोटल इंक्वायरीज आ चुके हैं, कितने टोटल प्लान्स हम एड कर चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। जैसे ये मैंने एक प्लान ऐड किया है, जिम में अलग अलग प्लान होते हैं, 6 मंथ का, 10 मंथ का, 3 मंथ का, जो भी है प्लान्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनका कुछ अमाउंट होता होगा, प्लान का कुछ नाम भी होता होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो एड इंक्वायरी, यहाँ पे मैं इंक्वायरी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। होम पे सबसे पहले डैशबोर्ड में काउंट होके आ रहा है सब कुछ, मेंबर्स कितने, इक्विपमेंट कितने, प्लान कितने, इंक्वायरी सब अभी एक एक है, ठीक है। इंक्वायरी अगर और ऐड करना है तो यहाँ से आप इंक्वायरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर इंक्वायरी करने आता है तो उसका डिटेल डाल के आप यहाँ पे सबमिट करके ऐड कर सकते हो, जितना भी ऐड कर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसको अपडेट करना है किसी को तो यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जेंडर चेंज कर दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये चेंज हो गया, वापस मैं इसको मेल कर देता हूँ तो ये अपडेट हो गया। प्लान, यहाँ से हम प्लान को ऐड कर सकते हैं कि कौन सा प्लान है, जैसे मैंने लिखा सिल्वर प्लान, कुछ भी हो सकता है प्लान का नाम जो भी होगा। अमाउंट में दे दिया, इसका अमाउंट है आपका 2000 रुपीस एंड ये है आपका 3 मंथ का ड्यूरेशन, ऐड कर दिया तो ये आपका डेटा ऐड हो गया। पहले सिंगल डेटा था यहाँ पे, अब दो डेटा यहाँ पे आ गया। होम पे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे 2 हो गया, काउंट होके 2 हो गया। इसी तरह हम इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर इक्विपमेंट नेम, तो यहाँ पे मैं लिख दिया डंबल, ठीक है। प्राइस बता दिया मैंने 4000, यूनिट कितने यूनिट्स हैं ये मैंने बता दिया 2 यूनिट्स हैं। एंड डेट, ठीक है, मतलब इसमें हम जिम के अंदर कितने इक्विपमेंट से वो ऐड कर सकते हैं, कौन सी डेट को हमने इसको जिम में लाया था, वो सब चीज़ें यहाँ पे जो भी लिखना हो लिख सकते हो आप। यहाँ मैंने लिख दिया 2 पेयर ऑफ डंबल, ऐड कर दिया तो ये डेटा आपका ऐड हो जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। तो ये आप देख लो ऐड हो गया, अगर होम पेज पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये काउंट होके आ रहा है डेटाबेस से, ये सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होते जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्लान के अंदर,
तो ये दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, पहले सिंगल रिकॉर्ड था। ओके, तो जितना भी डेटा आप एड करते जाओगे MySQL डेटा के डेटाबेस के अंदर आते जाएगा। यहाँ से आप इक्विपमेंट को मैनेज कर सकते हो, यहाँ से मेंबर को, ठीक है। इंक्वायरी अलग है, मेंबर अलग है। मेंबर जो मतलब ज्वाइन कर चुका है, तो ज्वाइन करते समय जो जो इन्फॉर्मेशन हम लेंगे उसका ज्वाइनिंग डेट रहेगा, प्लान कब एक्सपायर हो रहा है, इनिशियल अमाउंट कितना दिया, जेंडर क्या है, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से आप एड करोगे, एंड जब एड करोगे तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ईमेल वगैरह डिस्प्ले करना हो तो आप ये आई के सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। ओके, लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस जो फ्रंट पेज था वो आ गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हमने रिएक्ट को यूज़ किया है, नोड जेएस विद एक्सप्रेस को यूज़ किया, डेटाबेस MySQL है, ठीक है, एंड काफ़ी सारी और भी लाइब्रेरीज को यूज़ किया है। तो अगर इसका सोर्स कोड आपको परचेस करना है या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड इसका रिपोर्ट PPT परचेस करना है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड मेरी वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।